भी एक स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल होता है, उसमें डिटेलिंग बहुत होती है जो स्क्रिप्टिंग हम करते हैं, एंड एज मच डिटेल राइट अप टू द कलर्स एंड कॉम्बिनेशंस साउंड्स दैट वी हियर, वी ट्राई टू पुट आउट एवरीथिंग इन द स्क्रिप्ट। मगर जब हम कहानी सुनाने जाते हैं तो उस वक्त भी उसी डिटेलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके अपने शब्दों में बड़ा फ़र्क होता है। अगर कोई लगान की कहानी सुनाए किसी प्रोड्यूसर को और वो बोले कि लॉग लाइन सुना दो, तो लॉग लाइन क्या होगी? यू नो, कैन समबडी अंडरस्टैंड अ स्टोरी यूजिंग अ लॉग लाइन? Is it possible? It is possible. हुआ है ऐसा, हमारे साथ भी हुआ है कि खाली एक लाइन से सामने वाले ने प्रोजेक्ट ऑन कर दिया है। ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता। कई बार पूरा स्क्रीन प्ले पढ़ के भी समझ में नहीं आता। तो इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर टॉकिंग टू, यू नो, राइट पर्सन एट द राइट टाइम, एंड क्या सामने वाले की क्या। अभी अगेन सब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्ट आपकी पसंदीदा हो, आपका पसंदीदा हो, और आपको यू लाइक दिस जॉनर के भाई मैं जैसे कोई हीरो को समझाऊँ कि भाई आपको जाके गड्ढे में से आदमी को निकालना है, आपको रेस्क्यू करना है किसी को, और मैंने आपको एक ही लाइन सुना दी, चार लाइन सुना दी, मैंने आपको बोला यस मैं कर रहा हूँ, यू नो, एज एन आई। तो कई बार पूरा बाउंड स्क्रिप्ट पढ़ के समझ में नहीं आता है कि यार इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यार। तो अगेन सब्जेक्टिव है सर, यू नो, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। मेरे वैसा तो हुआ ऐसा कि चार लाइन सुन के प्रोजेक्ट ऑन हो गए पूरे, यू नो, ये हुआ है मेरे साथ। और मेरे साथ ये भी हुआ कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, फर्ज कीजिए लगान का लॉग लाइन आप कोई सुनाने जाए किसी को, तो क्या बोलेगा? बिकॉज द जूस इज इन द डिटेल, यू नो, वो जो कैरेक्टराइजेशन है और सो उसका जो डिटेलिंग है दैट इज डिफरेंट। तो लॉग लाइन क्या समझ आएगी किसी को? कोई और क्या, आमिर खान साहब भी रिजेक्ट कर दिया था ना, पहला स्क्रीन प्ले जो लेके गए थे आइडिया, वो तो रिजेक्ट कर दिया था। फिर आशु जी 2 साल 1.5 साल पूरा बाउंड स्क्रीन प्ले लेके गए, और जब सुनाया बोला यार ये तो करनी है। हैविंग सेड दैट, किसी को लॉग लाइन पे प्रोजेक्ट ऑन नहीं होते हैं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार तुमने तो ऐसा बोला था, ऐसा तो आ नहीं रहा है। सो इसलिए बाउंड स्क्रिप्ट लेके जाना चाहिए ऑलवेज, ये ना, बाउंड स्क्रिप्ट समझ पढ़ाओ और उस स्क्रिप्ट पे सब कुछ लिखा। अब नरेशन में भी कई बार छूट जाती है, कईयों को नरेशन देने का क्राफ्ट भी नहीं होता। सम पीपल आर वेरी गुड एट राइटिंग इन डिटेल, और नरेशन में वो लोग बेचारे समझ में नहीं आता कि क्या होता है, यू नो, क्या बोलना चाहिए। इसलिए पर हैविंग सेड दैट, सामने वाला भी पढ़ने वाला होना चाहिए। सामने वाला में पेशेंस ही नहीं है पढ़ने की, तो क्या करे? वो लोग बोलते हैं इट्स, यू नो, अलग अलग सिचुएशन है। कई लोग बाउंड, आजकल के जो नए एक्टर्स है, दे प्रिफर टू रीड द एंटायर ड्राफ्ट, यू नो, कि भाई मुझे स्क्रीन प्ले पढ़ना है, हवा में बात नहीं। जो अगर जो बोल रहे हो लिखा कहाँ है उसमें, दे वांट टू सी दैट। और जो, और अब तो वो लोग भी बोलते हैं कि बस ये हो गया, इसमें ये इतना चेंजेस होगा, ये नहीं होगा। सो दे ऑल स्पेसिफाई थिंग्स। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट अ बाउंड स्क्रीन प्ले एंड टेक इट टू द हूएवर यू आर पिचिंग इट टू, राइट? हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट फॉर अ स्क्रीन राइटर to dramatize a person who had lived, person who survives in memories, you know, उसको replicate करना script के जरिए कितना आसान या मुश्किल होता है? It depends on the writer also. मेरे लिए ये वाला बहुत ही आसान था, क्योंकि दो चीजें, एक मैं खुद नेवी में था, बराबर, I knew पूरा इनकी तो स्टोरी हम सबने सुनी थी, कमांडर राखाव राणावडी साहब की। दूसरा मैंने फिक्शनलाइज किया कि बिकॉज आई वाज इन द नेवी, मुझे मालूम था कि उन्हीं दिनों इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, उन्हीं दिनों जब ये कांड हुआ था। तो मैंने एक फैक्ट, जो एयरक्राफ्ट कैरियर का फैक्ट, और एक फिक्शन, ये भी फैक्ट है कि जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, जो आया 1961 में आया, उसकी नींव 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रखी गई थी। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो 15 साल तक वहीं अटका रहा वो, यू नो, फिर हमने वहां से खरीदा। तो दिस वाज अ फैक्ट, उसको मैंने इसमें जोड़ के आई क्रिएटेड अ स्टोरी। सो मेरे लिए ये वाली स्टोरी बहुत आसान थी, यू नो, बिकॉज आई हैड लिव्ड दैट लाइफ, मुझे मालूम था कैसा होता है, एंड आई हैड प्रैक्टिकली लिव्ड दैट कैरेक्टर। मतलब, यू नो, उनके बारे में बहुत सुना था। हमारे व्हेन आई जॉइंड इन 88, तो हमारे पुराने सेलर्स इनकी बातें करते थे, 20 साल 25 साल, तो जो यंगस्टर्स थे, अब बूढ़े हो गए थे, जो हमें सुनाते थे ये कहानी। तो वी वेर अवेयर ऑफ दिस, क्या हुआ था एंड ऑल दैट। तो आई न्यू दैट कैरेक्टर वेरी इनसाइड आउट। तो मेरे लिए बहुत आसान था ये, वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि आप और मैनरिज्म ऑफ लेवल, वो तो चाल डाल सब कुछ, मतलब हमारा जो सल्यूट भी होता है ऐसा होता है, नॉट लाइक दिस, यू नो। तो यहाँ से शुरू किया था सब कुछ। अक्षय जी को हम सेट पे थे, सब गाइड कर रहे थे, यू नो, यूनिफॉर्म ये वो, तो सब एवरीथिंग भी मैं खुद ही मौजूद था। एंड दैट वाज व्हाट, यू नो, दैट वाज डिसाइडेड कि आई विल बी स्टेइंग ऑन द सेट्स। हमें, आई विल गिव एन एग्जांपल, एक शिप चाहिए था जो उस पीरियड का था, वो ब्रिटिश मेक था। हमने रशिया में देखे जो जमे नहीं, तो हम लंदन में हमने शूटिंग किया। वहाँ एक शिप, 2 शिप है, HMS बेलफास्ट है, HMS कैवेलियर है, ये लोग म्यूजियम शिप्स है। वहाँ हमने उनको रेंट पे लेके, HMS बेलफास्ट तो थेम्स के किनारे पे ही है, यू कैन सी इट, यू नो, इट्स वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस ऑफ लंदन। वहाँ जाके हमने शूटिंग किया, यू नो, सो इतना ऑथेंटिसिटी, इतना हमें प्रोडक्शन ने सपोर्ट किया, एंड दैट्स हाउ इट वाज मेड।